गुड मॉर्निंग दोस्तों, कामयाबी चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आपका दिन अच्छा होगा। आज हम 17 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो खेल से संबंधित होगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के लोह कीन यू को हराकर यह इंडिया ओपन बैडमिंटन एकल का खिताब जीता है। अगर युगल में बात करें तो युगल में रंकी रेड्डी और चिराग अनुराग चिराग की जोड़ी ने मोहम्मद एहसान और सोतियावान इंडोनेशिया के दोनों खिलाड़ी को हराकर युगल बैडमिंटन का खिताब जीता है। तो हमारा अगला प्रश्न होगा ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसने जारी की है? ग्लोबल इकोनॉमिक्स ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसने जारी की है? ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने जारी की है। अब इस रिपोर्ट में भारत की जीडीपी भारत की जीडीपी की जो वृद्धि है वह 2021-22 में 8.3% वृद्धि होने की संभावना बताई गई है। 2021-22 में, जबकि इसने आगे के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं, तो 2022-23 में इसकी जो रिपोर्ट बताई गई है वो 7.5 की वृद्धि बताई गई है 2022-23 में। यदि बात करें 2023-24 में तो 6.5% की वृद्धि बताई गई है 23-24 में। अब आपसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है। कमेंट बॉक्स में बताना होगा आपके इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर। अब इसके गठन की बात करें, वर्ल्ड बैंक का जो गठन है इसका गठन 22 जुलाई 1944 को हुआ था। यदि इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसका अध्यक्ष है डेविस मालपास। डेविस मालपास इसका अध्यक्ष है। अगर पूछा जाए वर्ल्ड बैंक के कितने सदस्य हैं, तो आपका आंसर होगा 189 इसके सदस्य हैं। तो आपको बता देते हैं इसका हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में वाशिंगटन DC में और किसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर और किसका है वाशिंगटन DC में, कमेंट बॉक्स में छापें। अगला, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिंस फ्री गांव कौन सा बना है? तो वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय है।
भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन्स फ्री गांव, भारत का पहला नैपकिन्स सैनिटरी फ्री गांव कौन सा बना है? तो आपका आंसर होगा केरल का। केरल का एक गांव है जिसका नाम है कुंभ लगी, कुंभलंगी गांव है, कुंभलंगी गांव है जो भारत का पहला नैपकिन सैनिटरी फ्री गांव बना है। अगर हम बात करें कि भारत का कौन सा गांव है जो 100% वैक्सीनेशन करने वाला गांव बना है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर का बावेल। 100% वैक्सीनेशन में गांव, वैक्सीनेशन टीकाकरण में बात करें गांव की, तो होगा जम्मू कश्मीर का बावेल गांव। बावेल गांव अगर आपसे पूछा जाए 100% वैक्सीनेशन की दोनों डोज देने वाला राज्य कौन सा है, देने वाला राज्य, देने वाला राज्य की बात की जाए तो वे है हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि 100% वैक्सीनेशन देने वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका उत्तर होगा अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार, अगर आपसे पूछा जाए 15 से 18 वर्ष के छात्रों को 100% वैक्सीनेशन देने वाला, 100% वैक्सीनेशन देने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न होगा कालर बाली बागिन की हाल ही में मृत्यु हुई है मध्य प्रदेश में, कालर वाली बागिन की मृत्यु मध्य प्रदेश के कौन से टाइगर रिजर्व में हुई है, तो आपका आंसर होगा पेच, टाइगर रिजर्व में हाल ही में कालर वाली वागीन की मृत्यु हुई है। आपको बता दें कि कालर वाली वागीन ने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा बाघों को जन्म दिया था। कालर बागी बागिन को अन्य नाम से भी जाना जाता है, पेच की रानी या सुपर माँ, इसे हम पेच की रानी भी कहते हैं, पेच की रानी, और इसे अब एक नाम से और पुकारा जाता है सुपर माँ। अब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कौन सा राज्य है जिसने सबसे कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वन के बारे में पूछे, सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं, इसके जो सीएम है वो शिवराज चौहान है, और आपको बता शिवराज चौहान है। यदि इसके गवर्नर की बात करें तो इसका जो गवर्नर है वो गवर्नर है इसका मंगू पटेल, यदि इसके गठन की बात की जाए तो इसका गठन 1 नवंबर 1956, तो आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठन किया गया था, कहां
कमेंट बॉक्स में छापें। आगे बात करें, यदि इसके कैपिटल की बात की जाए, यदि इसके कैपिटल की बात की जाए तो इसके कैपिटल की बात की जाए तो राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी है भोपाल, भोपाल। अब हम मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क के बारे में जानकर बताते हैं आपको। यदि हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, मध्य प्रदेश में पहला पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यदि इसके टाइगर रिजर्वों की बात करें, टाइगर रिजर्वों की बात करें तो इसमें दो टाइगर रिजर्व हैं, नंबर एक सतपुड़ा और एक पेंच, जहां पे हाल ही में खबरों में रहा है कालर वाली बाघिन की मृत्यु हुई है, इसलिए खबर में आया। अब हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में कुछ, नंबर एक भीम बेटका की गुफाएं, खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप, पंचमढ़ी। ये तो थे मध्य प्रदेश के बारे में। ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर काला वाली बागीन है, जो सबसे ज्यादा उम्र दराज बागीन है, उसकी हाल ही में मृत्यु हुई है मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में। आगे बात करें, अगला जो प्रश्न होगा वो होगा हमारा एक युद्ध अभ्यास से रिलेटेड। भारत और रूस के मध्य अरब सागर में एक युद्ध अभ्यास हुआ है जिसे पासिंग एक्सरसाइज कहते हैं। भारत और रूस के मध्य अरब सागर में भारत और रूस के मध्य अरब सागर में एक युद्ध अभ्यास हुआ है, युद्ध अभ्यास जिसे कहते हैं पासिंग एक्सरसाइज या युद्ध अभ्यास, पासिंग एक्सरसाइज कहें या युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास। ये युद्ध अभ्यास हुआ है, युद्ध अभ्यास। अब आपको बता दें कुछ अन्य युद्ध अभ्यासों के बारे में भी। अगर आपसे पूछा जाए भारत और रूस के मध्य एक पासिंग एक्सरसाइज होती है और एक और होती है जिसका नाम होता है इंद्र। ये दो भारत और रूस के मध्य युद्ध अभ्यास होते हैं। आगे अन्य युद्ध अभ्यासों की बात करें तो भारत और फ्रांस के मध्य कुछ और युद्ध अभ्यास होते हैं। गरुड़। यदि आपसे पूछा जाए गरुड़ शक्ति, गरुड़ तो होता है भारत और फ्रांस के मध्य, यदि गरुड़ शक्ति पूछी जाए तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य। यदि आप भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ बरुण स्काई रॉक
ये युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। गरुड़, वरुण, स्काईरॉक। यदि आपसे गरुड़ शक्ति पूछी जाए तो आपका आंसर होगा भारत और इंडोनेशिया। अगला अगला और अन्य युद्धाभ्यास यदि आपसे पूछा जाए भारत और चाइना के मध्य हैंड टू हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास के बारे में पूछा जाए तो ये भारत और चाइना के बीच में है। इंडिया और चाइना, भारत और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड। आगे यदि आपसे पूछा जाए ब्रज प्रहार तो ये भारत और यूएसए अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार ये होता है। भारत और अमेरिका अभी अमेरिका तो आपको आंसर देना है कि अमेरिका के वाशिंगटन में किस किस के मुख्यालय हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला यदि काजिंद पूछा जाए जो हाल ही में काजिंद जो भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ है, जो राजस्थान के बीडीओ बीडीओ में आया था ये प्रश्न। कजाकिस्तान युद्ध अभ्यास किस किस के मध्य है। यदि पूछा जाए आपसे एकुवेरीन युद्ध अभ्यास किस किस के मध्य होता है तो आपका आंसर होगा इंडिया और मालदीप के द्वीप मध्य, इंडिया और मालदीप के मध्य। अगला यदि आपसे पूछा जाए मित्र शक्ति तो आपका आंसर होगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। यदि आपसे पूछा जाए मैत्री तो आपका आंसर होगा भारत और थाईलैंड। भारत और थाईलैंड। अब कुछ महत्वपूर्ण डेली, अब हम एक नई सीरीज और शुरू करने वाले हैं हरियाणा विशेष। हर 5 या 10 मिनट की हरियाणा विशेष सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, हम उनकी परेशानियों को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही डेली बेस रूटीन में रहने के लिए कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।